दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे खुद को अनब्लॉक कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। सच बात तो ये है कि आप खुद अनब्लॉक नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे, भाई तूने वीडियो क्यों बनाई है? तो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है जिसमें लिखा रहता है कि खुद को अनब्लॉक कैसे करें, और वो लोग प्रूफ भी दिखा देते हैं कि अनब्लॉक हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी वीडियोस फेक है। खुद आप अनब्लॉक नहीं हो सकते। आप अगर उसको वीडियो को देखते हो, आपका डाटा खत्म होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है और अनब्लॉक नहीं होते, फिर आप निराश हो जाते हैं। तो उसी निराश को देखते हुए मैंने इस आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगा और एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हम अनब्लॉक होते हैं या नहीं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अनब्लॉक नहीं हो सकते जब तक वो पर्सन आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। चलो, आप कहोगे भाई आप प्रूफ दिखा, इसमें आपके पास क्या प्रूफ है जो आप कह रहे हो कि अनब्लॉक नहीं होगा? तो जैसे जैसे वो स्टेप्स बताते हैं, वो स्टेप्स मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा और देखना मैं अनब्लॉक नहीं होता हूँ। चलिए, आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, फिर आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अनब्लॉक होते हैं या नहीं। तो चलिए व्हाट्सएप में चलते हैं। तो मैं व्हाट्सएप को लॉक खोल दूँ। तो जैसा कि पहला स्टेप है कि अपना अकाउंट डिलीट करना। इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मुझे किसने ब्लॉक किया है। ये रहा वो बंदा जिसने मुझे ब्लॉक किया है। तो ये देख सकते हैं, इसका मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसे बैक कर देता हूँ और अपना अकाउंट, पहला जो YouTube पे बताते हैं कि अपना अकाउंट डिलीट करिए, तो मैं अपना अकाउंट डिलीट करता हूँ। तो देखो, मुझे अपना अकाउंट डिलीट करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं अपना अकाउंट डिलीट मार देता हूँ। अकाउंट में जाना है, डिलीट माय अकाउंट, नंबर डालना है जिस नंबर से आप कर रहे थे। तो मैंने अपना नंबर डाल दिया है और अब ये रीज़न पूछ रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूँ, अदर दे देता हूँ, डिलीट माय अकाउंट। तो देखो, मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब हम बैक हो जाते हैं और क्या पता हमारे फाइल मैनेजर में उसने डाटा रख लिया हो कि इस बंदे को वही उसने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हम फाइल मैनेजर के अंदर भी जाके अब इसका डाटा क्लियर कर देते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप, ये रहा, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। यहाँ से डिलीट मार दिया, अब मैं बैक आता हूँ। अब कहते हैं कि इसका क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर ऑल डाटा कर देते हैं। ठीक, फोर्स स्टॉप कुछ हो गया, क्लियर और चेस दिखाते होंगे, बट यहाँ पे देखो मेरे में वो ऑप्शन आ नहीं रहा है, जो वाला ऑप्शन होता है यहाँ, ये वाला अनेबल ही नहीं है, डिसेबल हो चुका है। तो अब कहते हैं कि इसको अनइंस्टॉल करना है, मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल हो गया। अब ये लोग कहते हैं फिर से आप इसे इंस्टॉल करो। तो ठीक है, इंस्टॉल करते हैं हम इसे। चलते हैं प्ले स्टोर में, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, वेटिंग फॉर डाउनलोड दिखा रहा है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या हो गया, बड़ा नेट स्लो दिख रहा है, हो रहा है जैसे थोड़ा नेट स्लो है, बट होने वाला है, देख सकते हैं। फास्ट हो गया नेट। इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे कि इंस्टॉल हो चुका है, स्कैनिंग कर रहा है सिक्योरिटी ऐप MI का खुद का कि ये वायरस तो नहीं है। तो ये इंस्टॉल हो गया, ओपन कर लेते हैं इसे। एग्रीजेंट कंटिन्यू, नंबर डालते हैं। तो अब ये वही नंबर है जो पहले मैंने डाला था, कहीं आप लोग बोलो दूसरा नंबर डाला है। अब
अभी तक तो खैर OTP आया नहीं है। वो मैंने फ्लाइट मोड में कर रखा है फ़ोन को, तो उसे फ्लाइट मोड से हटा देता हूँ। बहुत कॉल आ रहा था इसलिए मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया था। कहाँ रह गया OTP? जल्दी आओ, आ रहा है बेचारा, रास्ते में होगा। आ गया जैसे कि। कंटिन्यू करते हैं। हेलो, तो यहाँ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, एक प्यारा सा मोजी लगा देता हूँ। तो देखिए मेरा फिर से बन गया है व्हाट्सएप। तो देखो मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ, मेरे पास सिग भी चैट नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं अनब्लॉक हुआ या नहीं। ये रहा वो बंदा, देख सकते हो मैं अनब्लॉक नहीं हुआ। सोच सकते हो आपको कितना गुस्सा आता होगा जब ऐसा आप इतने दिमाग लगा के इतने ध्यान से करते होंगे, आप अपना अकाउंट तक डिलीट कर देते हैं, अनब्लॉक नहीं होते हैं। आपने देखा मैं अनब्लॉक नहीं हुआ, तो एक टिप्स आपको मैं बताना चाहूंगा। आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोई भी हो जिसके पास उसका नंबर हो, जिसने आपको ब्लॉक किया है, उसने समझ जाओ किसने, तो आप क्या करना है, आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बोलना कि आप एक ग्रुप बनाओ, उसमें मुझे ऐड करो, उसे ऐड करो और खुद एग्जिट हो जाओ उसमें से। फिर आप उसे मना लो तो वो अनब्लॉक कर दे। तो यही बस एक तरीका है अनब्लॉक होने का, वैसे आप अनब्लॉक नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए।